आप अक्सर अपनी शायरियों में देश में पहली नफरत पर बात रखते हैं, आखिर क्या बदल गया है 2014 से अब तक? किट्टू भाई, बदला जो है वो बहुत ख़तरनाक है। जो बदलाव आया है समाज में, मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी सच्ची कहानी है। मैं 7वीं में पढ़ता था, 8वीं में, 6वीं से जो 8वीं तक की पढ़ाई है गांव में, बिल्कुल गांव के स्कूल में मैंने वहाँ से पढ़ाई करी है। 12 किलोमीटर दूर था मेरा स्कूल, मेरा दोस्त हुआ करता था और अब भी है, श्रीकांत मिश्रा उसका नाम था। हम दोनों साथ एक साइकिल से पढ़ने जाते थे, बहुत आम सी ज़िंदगी थी, साइकिल एक होती थी, दोनों दोस्त साथ जाते थे, एक टिफिन में खाना खाते थे। वो हमारे हिस्से की भी साइकिल कभी कभी चलाता था, 6 किलोमीटर मैं चलाऊँ वो चलाए, तो बड़ी एक खूबसूरत सी ज़िंदगी थी। हम क्रिकेट खेलने के लिए स्कूल छोड़ देते थे, पिताजी हमारी तलाश शुरू करते थे, तो जब क्रिकेट खेलते हुए पकड़े जाएं तो जितनी मेरी पिटाई होती थी उतनी श्रीकांत की भी होती थी मेरे अब्बू के हाथों से, या उसके पिताजी पकड़ पाते थे तो जितना श्रीकांत को पीटते थे उतना ही मुझे भी मारते थे। आज मैं महसूस करता हूँ कि अगर मेरे अब्बू एक थप्पड़ श्रीकांत को मार दें या श्रीकांत के पिताजी एक थप्पड़ इमरान को मार दें, तो वो थप्पड़ विद इन ए मिनट जो है वो हिंदू और मुसलमान के सांचे में ढल जा रहा है। इस बदलाव को ज़रा सा महसूस करिएगा तो आप पाएंगे कि समाज कितना ख़तरनाक हो चुका है। जिन बुज़ुर्गों ने मेरे गांव में, मेरे इलाके में, मेरे पड़ोस में मेरी उंगली पकड़ के मुझे सड़क पार करवाई है, उन बुज़ुर्गों की आँखों में भी मैं महसूस करता हूँ कि इस दौर का जो ये कड़वा वाला सच है वो उनकी आँखों में नाचता है। तो कभी कभी मैं डर जाता हूँ, मुझे लगता है कि ऐसे दौर में अगर हम चुप रह गए और इस समाज ये होते हुए बदलाव के मूक दर्शक बने रहे तो शायद आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं कर पाएंगी। तो मैंने अपनी शायरी में इस सब को मुद्दा बनाने की कोशिश करी और मैंने सोचा कि मेरा हुनर जो है, ईश्वर ने मुझे जो हुनर दिया है उसके ज़रिए अगर मैं चंद दिलों को भी मोहब्बत सिखा सका तो शायद ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। काजल रावत जी ने आपसे सवाल किया है, एक युवा होने के नाते देश को राहुल गांधी की ज़रूरत है या नरेंद्र मोदी की, क्या अंतर है दोनों नेताओं में? बहुत खूबसूरत सवाल है काजल जी आपका। बस मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप किसी दिन देर रात अपने कमरे में सुकून से बैठ करके अपना लैपटॉप ऑन करिए और यूट्यूब पर कम से कम 4-6 भाषण नरेंद्र मोदी जी के सुनिए और 4-6 भाषण राहुल गांधी जी के सुनिए। और सिर्फ सुनिए मत, देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, हाव भाव देखिए, चेहरे पर आ जा रहे जो एहसासात हैं उन्हें पढ़ने की कोशिश करिए, तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी जी में और नरेंद्र मोदी जी में क्या अंतर है। एक तरफ अहंकार है, चीख है, चिल्लाहट है, बात शब्दों से लगता है कि जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है और वो कोशिश करते करते बड़ी कभी कभी हास्यास्पद हो जाती है। लेकिन राहुल जी बोलते हैं, जैसे आप कभी कभी गौर करिए तो एक नदी है, शांत सी बह रही है, समंदर है, वो सलीके से उसमें पानी भरा है लेकिन वो जितना गहरा है उतना ही खामोश है। तो राहुल जी की जो ये बात है वो आपको बता देगी कि दोनों में अंतर क्या है। मैं शायर हूँ, मैं शायद बहुत अलग तरीके से इंसान को जांचने की, देखने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने जो महसूस किया है एक बुनियादी फ़र्क है कि दोनों इंसानों के बातचीत और उनके जो शब्द हैं उसमें सच्चाई और झूठ का जो अंतर है वही राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी में। क्या एमए बीए और मास्टर की डिग्री पकौड़ा तलने के लिए ली जा रही है? सौरभ भाई, बहुत आपका जो सवाल है उसी में आपका जवाब भी है। काश आपकी ये बात मैं भी बोल रहा हूँ और आप भी सोशल मीडिया पे लगातार बोलते रहते होंगे, ये सवाल उन तक पहुँच सके कि इस देश का युवा जो है वो पकौड़े तलने के लिए, ठीक है पकौड़ा तलना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन वो कोई रोज़गार भी नहीं है, वो तो मजबूरी में अपनाया गया एक रोज़गार है। बहुत अच्छी शिक्षा लेकर के अपने पिता के अरमानों को पूरा करने का, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक बच्चा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए या फिर कोई टेक्निकल डिग्री लेते हुए उसके पिता ने क्या क्या गिरवी रखा होगा, क्या क्या बेचा होगा, अपनी किन किन खुशियों का, अपने किन किन आराम तलबी का खून किया होगा तब जाकर के अपने बेटे को पढ़ा पाया होगा। आप आज उससे कह रहे हैं कि नहीं तुम पकौड़े तलो या फिर आप कह रहे हैं कि नहीं अपने नाम के सामने चौकीदार लिखो, आपको नहीं लगता कि ये बहुत हास्यास्पद और बहुत मतलब मजाक उड़ाने वाली बात है? इस देश के बेरोजगार युवाओं का मजाक उड़ा रहे हैं दरअसल आप, तो बहुत शर्मनाक बात है ये। यशित चोपड़ा जी का सवाल आया है, मोदी जी ने कहा था कि मैं माँ गंगा का लाल हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और काम के नाम पर कुछ नहीं। मोदी जी तो ऐसे व्यक्ति हैं कि वो जब माँ से मिलने जाते हैं तो कैमरे के बिना नहीं जाते। मुझे हैरत है, मैंने ये बात कभी कही भी थी, आपको याद होगा एक इंसिडेंट के जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी के दौरान आपने गौर किया होगा कि
एक दिन एकाएक टीवी चैनलों पे एक खबर फ्लैश होती है, कुछ विजुअल्स फ्लैश होते हैं कि 90 साल की बूढ़ी माँ लाइन में लग करके पैसे निकाल रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हम, आप या कोई भी इस देश का नौजवान, हम आप चाहेंगे कि हमारी 90 साल की बूढ़ी माँ वो लाइन में लगे और लाइन में लगने के बाद पैसे निकाले? आखिर ऐसे बेटे की तो पूरी ज़िंदगी पे लानत है कि वो रिश्तों का इस्तेमाल कर रहा हो अपने सियासी फ़ायदे के लिए। तो जो पैदा करने वाली माँ का इतना सियासी और इतना सलीके का संदेशा देने के लिए इस्तेमाल करते हों, वो गंगा माँ का उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है आप जान ही रहे हैं। गंगा माँ ने उन्हें बुलाया था और आज गंगा के किनारे किनारे आप टहल करके कानपुर से बनारस तक चले जाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बेटे ने माँ के साथ कितना बड़ा धोखा किया। जी, एक शब्द बहुत गूंज रहा है, देश में 70 साल में कुछ नहीं हुआ, कहने वाले ये बात दुनिया की बेहतरीन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, क्या आज के युवाओं को ये राजनेता मूर्ख समझ रहे हैं? दरअसल ये युवाओं को तय करना पड़ेगा और इसका जवाब भी उन्हीं युवाओं को देना पड़ेगा, चाहे सोशल मीडिया पर दीजिए या ईवीएम की बटन दबा के दीजिए। वो लोग जो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो कुछ देश का स्ट्रक्चर खड़ा है जिसमें पढ़ लिख करके, मतलब किसी ने, मुझे याद है कि जब अरुण जेटली साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी, उनका ऑपरेशन होने वाला था, वो एम्स में एडमिट थे, तो किसी ने सोशल मीडिया पर बहुत एक कमेंट लिखा था, मेरी पूरी सहानुभूति उनकी उस बीमारी के साथ रही, कि आप कितना भी कोर्स लेंगे 70 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप जिस एम्स में अपना ऑपरेशन करा रहे हैं वो भी तो उन्हीं 70 सालों के दौरान बना है। आज जिस फाइटर प्लेन में जा करके आप बालाकोट में आपने एयर स्ट्राइक करी, वो उन्हीं 70 सालों के बीच का आया हुआ मामला है। जो कुछ भी है देश में, मैं तो यूँ कहूँ कि आप बताएं आपने इन 5 सालों में क्या किया। बाकी जो पुराने साल हैं, आप हर चीज़ के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। कभी कभी हैरत होती है कि मतलब ये जो एक, ये बिल्कुल गांव में जो लोग होते हैं ना, कुछ भी हो तो अपने, अपना जो अपनी कमियां हैं उसको दूसरों पे थोप देना, ये बड़ी ख़राब, इसके बारे में गांव में बड़ी ख़राब बात मानी जाती है, लेकिन पता नहीं कैसे मीडिया के ज़रिए और युवाओं को सोशल मीडिया के ज़रिए बरगला करके वो अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं और लोग बिल्कुल चुप हैं। खेत में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, राजनेता पागलों और अफसरों को छोड़कर आप बोलो कौन हंसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। ये जो पिछले 4 साल की जो प्रगति है ना, वो ये है दरअसल। 63 सालों में तो बहुत कुछ हुआ इस देश में, तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस बहकावे में मत आइए कि कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है वो उन्हीं पुराने सालों में हुआ है। इन दिनों तो खाली बयानबाजी हुई है, जुमलेबाजी हुई है, लफाजी हुई है, बस और कुछ नहीं हुआ है दरअसल। आज का युवा आखिर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री क्यों चुने? बहुत ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है कि इस देश का युवा राहुल जी को प्रधानमंत्री क्यों चुने। मुझे लगता है कि उसके एक नहीं बल्कि 1000 कारण हैं जो गिनाए जा सकते हैं। मैं शायर हूँ इसलिए मैं जो सबसे पहला कारण दूंगा वो ये दूंगा कि राहुल गांधी जी बिल्कुल आप जैसे हैं, आप जैसा दिखते हैं, आप जैसा सोचते हैं और आप जैसी ज़िंदगी जीते हैं, भावना के, संवेदना के और एहसासात के जिस लेवल पर आप दर्द को महसूस करते हैं लोगों का, आपकी आंखों में अगर किसी का दर्द देख के आंसू आ जाता है तब मैं समझता हूँ कि आपके अंदर इंसानियत बची है। मैंने कई बार ऐसा हुआ कि मैं राहुल जी से बातचीत करता रहा हूँ और मैंने देखा है कि जब इस तरह की कोई एक बड़ी, अभी एक रिसेंट आपको एक बात बताऊँ कि मैं रहा है उसमें कुछ तस्वीरें लगी हैं, उन तस्वीरों को देखिएगा। उस दिन मुझे लगा, मेरे जहन में एक ख्याल आया कि इन तस्वीरों की तस्वीरें लेकर के, इस पूरी दीवार की तस्वीर लेकर के ये बताया जाए कि इस देश के सबसे मजबूत घराने का आने वाले दिनों का प्रधानमंत्री, वो अपनी बैठक जिसे हम आप कह सकते हैं जहाँ वो मेहमानों से मिलता है, वहाँ पर उसने किस तरह की तस्वीरें लगा रखी हैं। आप जाएंगे तो 3 तस्वीरें थी जिन पर मेरी नज़र पड़ी थी। पहली थी कि एक मुस्कुराती हुई गांव की एक महिला है, वो अपनी गैया को चारा दे रही है, वो तस्वीर है। दूसरी तस्वीर है कि एक बुज़ुर्ग औरत है, वो उनकी अपनी एक छोटी सी दुकान है, चाय की, शायद किसी गांव की, खांटी गांव की दुकान है, और सामने कुछ एक दो लोग बैठे हैं चाय
ख़रीद रहे हैं, उनसे चाय लेके बैठ के पी रहे हैं, और चूल्हा चल रहा है जिस पे वो लकड़ी से चाय बना रही हैं, वो लकड़ी का चूल्हा है वो। ये जो एक आप अंदाज़ा लगाइए, आप सोचते होंगे कि राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जिनके पूरे परिवार के पास पूरे इस देश की विरासत रही हो, वो तो क्या ज़िंदगी जीते होंगे, SPG सुरक्षा में बैठे हैं तो क्या ज़िंदगी जीते होंगे। लेकिन आप उस शख्स के घर में पहुंचिए जहां वो रहते हैं, तो आप पाएंगे कि सामने दीवारों पे ऐसी ही तस्वीरें लगी हुई हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक शख्स क्या सोचता होगा जब वो किसी से भी बात करने बैठता होगा, वो शख्स तो शख्स के सामने इस देश के सबसे गरीब इंसान का चेहरा है। तो जो इंसान ऐसे माहौल को अपने हर वक्त अपने जहन में रख रहा हो, मुझे लगता है कि उसे इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। बल्कि उसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो 10 लाख का सूट पहन करके अपने आप को फ़कीर बता रहा है, लगातार झूठ बोल रहे हैं वो। उनका किरदार देखिए और उनकी असल ज़िंदगी देखिए, राहुल जी की बातें देखिए और उनका किरदार देखिए, आपको खुद लग जाएगा कि राहुल जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। जो सच्चाई, जो साफगोई, जो ईमानदारी, जो उनकी नीयत में एक यकीन झलकता है, और नफरत वाली ताकतों के खिलाफ देश के तमाम लोगों को जो एकजुट करके लेके चलने की मुहिम है उनकी, मुझे लगता है राहुल जी को सिर्फ इन्हीं 2-3 कारणों की वजह से इस देश का प्रधानमंत्री ज़रूर होना चाहिए। बहुत खूबसूरत दिन है, सबसे रूबरू होने का मौका मिला है। पिछले एक महीने में एक ख़ास तरह की चीज़ों का राष्ट्रवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। चुनाव आयोग ये कहता है कि सैनिकों की किसी भी तस्वीर तक का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, लेकिन पोस्टर चिपकाए गए, होर्डिंग्स लगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि ये पोस्टर चिपकाने वाले, ये राजनीतिकरण करने वाले सैनिकों की शहादत का किसी शहीद के घर जाके उस माँ के आंसू पोंछने के काम नहीं आए। मैं गया था एक माँ से मिलने, अवधेश कुमार नाम का एक शहीद, एक सैनिक शहीद हुआ था पुलवामा में, आपको याद होगा, चंदौली का। तो मुझे पता चला कि उनकी माता जी को कैंसर है और वो इंतज़ार कर रही हैं कि उनका बेटा वापस लौट के आएगा तो वो उनके कैंसर का इलाज कराएगा। वैसी खबर थी जिसे पढ़ने के बाद मैं बहुत बहुत भावुक रहा। एक दिन पूरा एक दिन मेरे लिए ऐसा था, और मैंने ऐलान किया कि नहीं, मैं उस माँ के पास जाऊँगा, उस माँ से मिलूँगा और उस माँ के कैंसर का इलाज अपने पास से कराऊँगा। मैं उनसे मिलने गया चंदौली। जब मैं पहली बार गया तो उनके पास मैं तकरीबन 1 घंटे बैठा रहा, उन्हें अपने सीने से लगा करके बैठा रहा, और मैंने बस इतना कहा कि माता जी, बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि आज इमरान आपके पास आया है, बस ये समझ लें कि अवधेश वापस लौट के आया है, अवधेश और इमरान में कोई फ़र्क नहीं। तो उस दौरान एक नज़्म हुई थी, वो नज़्म आपको सुनाता हूँ कि शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो, शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो, वो जवान जिनके हैं चीथड़े उड़ गए, उन जवानों की माँओं की चीखें सुनो, माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, उसको दौलत न पैसा न घर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर 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 चाहिए। और ताजिरों का मतलब होता है व्यापारी, ताजिरों की तरह मत हुकूमत करो, अपनी कुर्सी से यूं ना मोहब्बत करो, बख्श दो फौजियों के तो परिवार को, ये माँ के शब्द थे जिस माँ से मैं मिलके आया था, कि बख्श दो फौजियों के तो परिवार को,
इनकी लाशों पे तो ना सियासत करो, इनकी लाशों पे तो ना सियासत करो, अब हमें इस दुआ में असर चाहिए, माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, माँ को दौलत ना पैसा ना घर चाहिए। और जाते जाते इस देश से भी आखिरी वक्त है मेरा ख्याल है, और आदरणीय होने वाले पूर्व प्रधानमंत्री जी से भी ये कह रहा हूँ कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। बहुत शुक्रिया।